हेलो कृष्ण भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है इसके बारे में, इसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है, कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रण कर सकते हैं अल्फा प्लस जो कीटनाशक है स्प्रे करने में, इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन रहता है, जैसे मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, कौन कौन सा फसल में आप यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट कब मिलता है, पहला स्प्रे करने का दूसरा स्प्रे कब करना है, लगभग ए टू जेड बात करेंगे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी बात करेंगे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन रहता है अल्फा मेथिलीन 10% इसी फॉर्म में रहता है, जो बहुत अच्छा काम करता है इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए। आपका कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में, जैसे सब्जियों का जो खेती बाड़ी करता है आपको स्प्रे कर सकता है, जो अल्फा मेथिलीन 10% इसी बेहतरीन रिजल्ट भी मिलता है। कृष्ण भाई आई बात करेंगे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है कौन कौन सा फसल में आप यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे भिंडी का फसलों में, पत्ता गोभी का फसलों में, फूल गोभी का फसलों में, मिर्च का फसलों में, टमाटर का फसलों में, कद्दू लौकी का फसलों में, खीरा का फसलों में, करेला का फसलों में, लोबिया का फसलों में, बीन का फसलों में, प्याज लहसुन का फसलों में, धान का फसलों में, बैगन का फसलों में, लगभग सब्जी वर्गीय फसलों में अल्फा प्लस जो कीटनाशक है स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे अल्फा मेथिलीन 10% निसी कोई भी कंपनी का आप स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन काम करते हैं इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए। कृष्ण भाइयों, जब आप कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में क्या होता है, जैसे सुंडी इंसेक्ट ज़्यादातर आते हैं, जैसे सुंडी इंसेक्ट क्या है, जैसे बलम जो इंसेक्ट जो कीटों फसलों में ज़्यादातर आते हैं, इसमें क्या करना है, जो अल्फा मेथिलीन 10% इसी बेहतरीन काम करता है जो अल्फा प्लस कीटनाशक, सुंडी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करना है अल्फा प्लस जो कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा जैसे एपिड जेसिड जो इंसेक्ट आपका खेती बाड़ी में आता है, इसको भी नियंत्रण कर सकते हैं अल्फा मेथिलीन 10% इसी स्प्रे करके, बहुत अच्छा काम करता है। आई बात करेंगे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है इसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है। कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में जैसे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है डोज से ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलो इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए एपिड जेसिड को नियंत्रण करने के लिए इसका डोज से ही होना चाहिए। जैसे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है इसका डोज लगभग 100 ml आप 50 से 60 लीटर पानियों में घुलकर स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 10 टू 12 डेज के अंदर आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बीन का फसलों में, लोबिया का फसलों में, तुरई का फसल में जैसे येलो टाइप हो जाता है इंसेक्ट के वजह से, इसके लिए भी आप स्प्रे कर सकते हैं जो अल्फा प्लस कीटनाशक है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। आइए बात करेंगे अल्फा प्लस जो कीटनाशक है उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते क्या नहीं कर सकते इसके बारे में आइए बात करेंगे। इसके साथ आप दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे डाइमेथेट, प्रोफेनोफास, एसिटापेट, एसिटामारपीट, साइपरमेथ्रिन एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका डोज थोड़ा सा कम करके देना है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है एक साथ मिक्स करके स्प्रे करने के बाद। जो अल्फा प्लस कीटनाशक उसके साथ कोई भी फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना। आप जब आप कोई भी सब्जी का खेती बाड़ी में क्या होता है, किसान भाई को दिक्कत होता है कि आप फूल आने के बाद कौन सा कीटनाशक यूज़ करना है, जो कि अल्फा प्लस जो कीटनाशक है आप कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में फूल आने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, फूल आने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है फूल आने के बाद स्प्रे करने के बाद, फूल आने के बाद स्प्रे करने के बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है इंसेक्ट को नियंत्रण करने के लिए। कृष्ण भाई इस वीडियो में बात किया था अल्फा प्लस जो कीटनाशक है इसके बारे में, उसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है, कौन कौन सा इंसेक्ट को आप नियंत्रण कर सकते हैं और इसका कितना बार स्प्रे कर सकते हैं, इसका रिजल्ट कब मिलता है, लगभग ए टू जेड बात कहता अल्फा प्लस कीटनाशक के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, आपका कौन सा टॉपिक में वीडियो अच्छा लगेगा इसके बारे में जरूर कमेंट भी कर सकते हैं।